Hey guys, welcome to Mohit Agriculture Tutorials. My name is Mohit Gupta और आज फिर से हम लोग एक नई सीरीज को लेके आए हैं. ठीक, हमारी पुरानी सीरीज चली थी एग्रोनॉमी की, जिसके दौरान हमने राइस और वीट कल्टीवेशन में भी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं. बट स्टिल मैंने फील किया कि जो नॉलेज है, नॉलेज फार्मर्स के लिए बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एग्रोनॉमिकल स्टूडेंट्स के बेसिस पे भी बात कर रहा हूँ, तो जो नॉलेज है वो एक जगह पे एक स्पेसिफिक जो है एरिया पे इन लोगों की रुकी हुई है, आप लोगों की रुकी हुई, सॉरी. तो मैंने सोचा कि आपको पहले समझाते हैं कि पौधा आखिर में है क्या. जिस पौधे को आप कोई भी न्यूट्रिएंट दे रहे हो बिना सोचे समझे, जिंक दे रहे हो और कुछ भी दे रहे हो, कोई भी न्यूट्रिएंट आप बिना सोचे समझे दिए जा रहे हो, वो पौधा आखिर में है क्या और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से जो होते हैं उसके अंदर फेनोमेनन्स होते हैं. तो इस चीज को समझने के लिए एक सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज ये भी है क्योंकि आज से 2 महीना पहले मेरे पास 5 कमेंट आए थे कि सर प्लांट फिजियोलॉजी पे जो है वीडियोस बनाइए, राइट. तो प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी सीरीज पढ़ाते हैं यार आपको, राइट. तो आज का टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी. अच्छा, एक बात आप जान लीजिए, आज इंट्रोडक्शन तो करेंगे बट प्लांट फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ में हम आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें बताएंगे जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी की बुक में शायद ना हो, राइट. बट हम आपको इसलिए ये बताएंगे क्योंकि हमको जब स्टार्टिंग करनी है तो हमको अपना बेस पक्का करना है. तो बेस पक्का कैसे होगा, उन टर्म्स को, उन चीजों को, उन अभी बताता हूं आपको, इंट्रोड्यूस करता हूं. तो जब आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द फिनोमिनल हेल्दिंग इन द बॉडीज ऑफ प्लांट. मींस जो भी फिनोमिनल्स, जो भी फंक्शंस होते हैं दिन भर, जितने भी साइकिल्स होती हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं प्लांट की, उसके दौरान जो प्लांट अपने अंदर जो क्रियाएं करता है, ध्यान से समझिएगा, अपने अंदर जो क्रियाएं करता है उसको पढ़ने का एकमात्र माध्यम है प्लांट फिजियोलॉजी. सो व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिनल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ प्लांट. ठीक, जो भी क्रियाएं होती हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट, मे बी इट मे बी केमिकल, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी एनी टाइप ऑफ वर्किंग, राइट. तो प्लांट फिजियोलॉजी के दौरान पहले इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, प्लांट एक नॉन मोटाइल इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल इज द करेक्ट वर्ड बिकॉज लिविंग है. तो प्लांट एक नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं सकता, अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता, राइट. हम कुछ एरिया तक चल सकते हैं बट इन द सेम मैनर अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो वो अपने आप को एस्केप करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं कर सकता. तो प्लांट को भगवान ने एक ऐसी स्पेशलिटी दी है जो उसको एनिमल से डिफर कराता है, और प्लांट एक ऐसा जीव है जो एक जगह पे स्टैंड बाई होके भी, एक जगह पे स्टैंड बाई होके भी बिना हिले डुले अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से. हाउ गाइस, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी प्लांट सेल वॉल के ऊपर, तो उस वीडियो को तो मैं इसी सीरीज में डालूंगा. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं बेस क्या, बेस की बात कर रहा हूं. बेस है प्लांट सेल, प्लांट सेल, राइट. सो ये बेस है आपका. अगर ये बेस पक्का होगा तो आप सारे फंक्शन समझ जाएंगे प्लांट. तो गाइस, प्लांट हमको पता है नॉन मोटाइल जीव है. क्या होता है कि प्लांट सूरज की रोशनी मतलब फोटोसिंथेसिस, आपने सुना होगा, सूर्य की रोशनी को सिंथेसाइज करके वो अपना भोजन बनाता है, सिंथेसिस करता है. तो
फोटो मतलब सूर्य के ओर अपना जो है वृद्धि दिखाता है। जैसे हम लोगों की हाइट बढ़ती है वैसे उसकी वृद्धि किस ओर बढ़ती है, सूर्य की रोशनी की ओर। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें एक तो बात तो फिक्स है कि कोई ना कोई सक्शन फोर्स है उसके अंदर, जो एलिमेंट्स मिनरल्स और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबको प्लांट तक पहुंचाता है। ठीक है, और प्लांट की वृद्धि में कार्य करता है। आपके वाटर हो गया, ठीक है, फ्रॉम द लोअर डाउन रूट से लेके ऊपर टॉप तक पहुंचाने का काम होता है उसी में। ठीक है, तो कोई ना कोई तो सक्शन फोर्स है प्लांट के अंदर, तो ये भी बात क्लियर है। क्योंकि फोटोसिंथेटिक जितनी भी चीजें प्लांट बनाता है उसको एक परफेक्ट एरिया तक जहां पे उसको फ्रूट बनाना है वहां तक पहुंचाना ये भी एक सक्शन फोर्स ही है। तो ये सब तो फोर्सेस हैं प्लांट के अंदर, ये तो क्लियर है, राइट। दिस इज अ सर्टेन समटाइम बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो प्लांट प्रोसेसेस करता है कैसे करता है, ये भी आप पढ़ेंगे इसी में प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एक एग्रोनॉमिक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होने वाली है प्लांट फिजियोलॉजी की ये सीरीज जिसको मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल से, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट के फंक्शंस, प्लांट किस तरीके से अपने फंक्शंस, एक एक फिनोमिना प्लांट के अंदर जितनी साइकिल्स चल रही है सबको हमको पढ़ना है। तो प्लांट सेल हमको पता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग इंडिविजुअल, हर लिविंग बींग की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। हम भी बने हैं छोटी 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 सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू को बनाया। ठीक है, छोटी 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 सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू को बनाया, कई टिश्यूज ने मिलकर एक पार्ट को बनाया और कई पार्ट्स ने मिलकर एक पूरी बॉडी बनाई, राइट। तो जो भी प्रोसेसेस होते हैं प्लांट में वो सब कहीं ना कहीं इस सेल से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट फिजियोलॉजी बाय प्लांट सेल। और गाइस, प्लांट सेल वॉल पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो आई डोंट थिंक कि उस पे दोबारा डिस्कशन होना चाहिए। अगर आप फर्दर मोर डिस्कशन चाहते हैं उस प्लांट सेल वॉल पे तो कमेंट कर दीजिए नीचे। वैसे फर्दर मोर डिस्कशन के लिए कुछ बचा ही नहीं था वहां पर, मैंने लगभग पूरी प्लांट सेल वॉल कंप्लीट कर दिया, उसकी जितनी लेयर्स होती हैं प्राइमरी सेकेंडली टर्शियरी, तो मैंने सारी की सारी लेयर्स भी आपको क्लियर कर दी थी। तो आई डोंट थिंक कि मुझे वो दोबारा पढ़ाना चाहिए। ठीक, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने प्लांट सेल वॉल वाले ही वीडियो में आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड प्लांट सेल पे एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड अ कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम का मतलब कि हनी बी कॉम, बरैया के छत्ते, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर पाया उन्होंने। तो वो जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने पाया वो एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था। तो उस समय रॉबर्ट हुक ने उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया था सेल। फर्दर मोर और साइंटिस्ट आते गए और ज्यादा जो है साइंटिफिक रिसर्चेस होती गई, फिर लिविंग सेल पे आए। लिविंग सेल पे उन लोगों ने पाया कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। तो आज हम लोग लिविंग प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट सेल का एक पर्टिकुलर डायग्राम अगर मैं बनाऊं, पहली बात तो ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए यूकैरियोटिक सेल है। दूसरी बात ये है कि जो आपकी प्लांट सेल होती है ये हर सेल, हर भले ही वो ह्यूमन बींग हो भले वो एनिमल हो, हर लिविंग बींग की सेल से डिफरेंट है। भले वो वायरस बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक हो गया, बट इन द सेम मैनर अगर यूकैरियोट्स की हम लोग बात करें तो हर यूकैरियोट से डिफर करती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था प्लांट सेल वॉल वाली, देखिए गाइस हर मेरी वीडियो को आपको देखना है अगर आपको अच्छे से एग्रीकल्चर को समझना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठना है तब भी आपको देखना है। तो एक पर्टिकुलर अगर डायग्राम बनाऊं तो प्लांट सेल वॉल को जब रिकॉग्नाइज किया गया था तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, आप
स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था वहां पर, राइट? स्ट्रक्चर वॉज लाइक दिस. सो प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर कहा गया हेक्सागोनल या पेंटागोनल. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि केवल प्लांट सेल का ही होता है. हेक्सागोन और पेंटागोन इस स्ट्रक्चर को शो करता है. ठीक, आफ्टर दैट फर्दर इसके बाहर क्या पाया जाता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज इट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो एनिमल सेल इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट ये जो सेल वॉल जो पाई जा रही है, ये सेल वॉल है ये इसको डिफरेंट बनाता है हर सेल से. ठीक है, सो दिस इज सेल वॉल. तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा वो. ठीक, तो बेसिकली प्लांट सेल जो है इन्हीं फॉर्म्स में, हेक्सागोन या पेंटागोन के फॉर्म में पाई जाती है. आफ्टर दैट इसके अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. तो सबसे पहले इसको आउटर ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं. आउटर मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है सेल वॉल स्ट्रक्चर में, अगर आपने देखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, दोबारा कंप्लीट करते हैं. तो इसी सेल से कई दूसरी कई सेल्स जुड़ी होती हैं, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा रब करता हूं, थोड़ा थोड़ा. अब आपको दिखाते हैं, देखिए इसी से जुड़ के निकला दूसरे सेल का सिरा. ये और इसी से कनेक्ट होकर दूसरी सेल बनती है. तो हनी बी कॉम कैसे बना? यही जो है दूसरी सेल की सेल वॉल है. अब ये आगे बनती गई और कॉम लाइक स्ट्रक्चर बन गया, हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सेल का, जो कि कहा गया कि हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर हो सकता है प्लांट सेल की. यहां पे बात हो रही है प्लांट सेल के अंदर बहुत तरीके के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल. द वेरी फर्स्ट इज दिस इज व्हाट, वैक्यूल. ठीक है, दिस इज बबल लाइक स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल. बबल की तरह ये ऊपर की तरफ फूला होता है, इसलिए इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है जब डायग्राम बनाया जाता है. तो गाइज ये जो वैक्यूल होता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ, मतलब इसके अंदर इनफील्ड होता है, इसके अंदर फील्ड होता है मिक्सचर ऑफ वॉटर और मिनरल्स. ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, वैक्यूल बनाते हैं. तो वाटर और मिनरल जो होते हैं इसके अंदर वैक्यूल के अंदर भरे होते हैं. ये बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा इसमें एक और ऑर्गेनेल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस ऑर्गेनेल का नाम होता है न्यूक्लियस. ठीक, तो न्यूक्लियस को बनाने के लिए पहले तो ऐसे कवरिंग बनाते हैं, कवरिंग के बाद में इसको वॉल टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर वॉल है. ठीक है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस स्मॉल, राइट, और ये होता है पर्टिकुलर न्यूक्लियस. ठीक है, ये सेकेंड ऑर्गेनल है किसी भी प्लांट सेल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है प्लांट की लाइफ में. यही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल को यूकैरियोटिक सेल बनाता है. ठीक है, क्या सेल बनाता है, यूकैरियोटिक, वरना अगर ये नहीं होता तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती. डिफरेंस याद रखिएगा, ड्यू टू न्यूक्लियस अ सेल विल बिकम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक.
ये डिफरेंस केवल न्यूक्लियस की वजह से आता है। थर्ड ऑर्गेनेल जो है प्लांट की लाइफ में वो होता है आपका, इसी से जुड़ा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा यहां से रब कर देते हैं, दिखाते हैं आपको बना के। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जब बाद में जब बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तब आपको स्पेसिफिकली समझाऊंगा इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनेल का फंक्शन समझेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनेल एक बहुत बढ़िया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्रोनॉमी में। किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप क्लियर है तो आप हर चीज को समझ जाएंगे वहां पर। अब ये तो हो गई स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही यहां पे एक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है, कनेक्टेड होता है। अब ये बात ध्यान रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ऑर्गेनेल दैट इज समवॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होता है, बहुत नियर बाई होता है, इसलिए इसको मैंने नियर बाई बनाया। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, देखिए ऐसा ही कुछ होता है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अगला जो ऑर्गेनल होता है जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्लांट लाइफ में, ठीक है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों के ऊपर वीडियो बनेगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही। फिर उसके बाद में ये जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अलावा और क्या ऑर्गेनल पाए जाते हैं? एक बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइजोजोम, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट। ये देखिए लाइजोजोम। तो देयर आर डिफरेंट मेनी लाइजोजोम्स इन अ प्लांट्स। सो ये क्या है? लाइजोजोम, राइट। अब ये तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल हो गए जो हम डायग्राम में शो कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी मोर ऑर्गेनल्स, ठीक। अब यहां पे एक डिफरेंस क्या होता है, बहुत मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। वो डिफरेंस ये होता है कि इन प्लांट सेल द गोल्जी एपरेटस, दैट इज द गोल्जी बॉडी, इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट इन द एनिमल सेल इट कैन बी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। बहुत पास हो सकता है प्लांट बॉडी में गोल्जी एपरेटस, बट यहां पे क्या होता है, ये देखिए गोल्जी एपरेटस, सॉरी गोल्जी एपरेटस। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है इसको आपको ध्यान रखना है कि बहुत दूर बनाना है, ठीक है। बहुत दूर होता है, आपको कहीं पे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट न्यूक्लियस से बहुत फार अवे होता है ये गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब इन सब ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक काम क्या है, ये आपके ऊपर आपके लिए एक एक वीडियो बनेगी हर एक ऑर्गेनल पे, और आपको स्पेसिफिकली मैं समझाऊंगा कि हर ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या है, हर ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आप ये समझ सकें कि आगे जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ें, जब कोई भी आप जो है क्वेश्चन अगर आ जाता है सेल पे, तो आपको फंसना नहीं है वहां पे, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में ऐसा होता है कि सेल ऑर्गेनेल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में जो मिसिंग है, अभी मैंने बताया नहीं है, बट ये ऑर्गेनेल ही प्लांट सेल को प्लांट सेल बनाता है, ग्रीनरी प्लांट सेल की बनाता है, दैट इज द
क्लोरोप्लास्ट, सॉरी वैक्यूल में थोड़ा चला गया, ये ऐसा होता नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो दिस इज डबल लेयर्ड लाइक दिस, लाइक दिस, और यहां पे अंदर थायराकोइड्स होते हैं छोटे छोटे, ये है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द ग्रीनरी, राइट, दिस इज द ग्रीनरी, क्लोरोप्लास्ट, राइट। आप इन सब ऑर्गेनेल से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, राइट, आप पढ़ेंगे ही, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जिनको आप बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, तो सेल को कवर करना बहुत जरूरी था गाइस। ये अभी एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, अभी बात करते हैं डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन पे, राइट, वी विल टॉक अबाउट डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन। मैं अभी डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो अब ये वेरी क्लियर डायग्राम आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूल शो इन्होंने कर रखा है, ये देखिए ये वैक्यूल शो कर रखा है, ठीक है, बबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके साथ में इन्होंने क्लोरोप्लास्ट ये शो कर रखा है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, राइट। ये सब वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशली यूज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेसेस इन साइड द प्लांट, ठीक है, जो भी फिनोमिनल्स होते हैं, जो भी लाइफ साइकिल होती है प्लांट की, उस दौरान ये ऑर्गेनेल्स अपना एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन लोगों ने हेडलाइन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे, और इन्होंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हेडलाइन कर रखा है, तो ये वेरी क्लियर है आपके लिए। अब साथ में यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस इन्होंने दिखा रखा है, न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का दिखता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, राइट। अब न्यूक्लियस के बाद में इन्होंने गोल्जी बॉडी को भी दिखा रखा है, गोल्जी बॉडी आप अगर जहां पे इनका एरो गया है वहां पे अगर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा, राइट। और साथ में इन्होंने सेल वॉल को भी दिखा रखा है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला भी दिखा रखा है, साथ में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमारी अगली वीडियो आएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, अप्रोक्स इन्होंने सब कुछ दिखा रखा है इस डायग्राम में। और इस डायग्राम में जितने ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं प्लांट फिजियोलॉजी के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रोसेस समझना है, फोटोसिंथेसिस समझना है, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया, हर एक ऑर्गेनल का वहाँ पे काम पड़ता है, ठीक है। और ऐसे कई फंक्शंस हैं जिस दौरान जो समझने के लिए आपको इन सब ऑर्गेनल्स को भी समझना पड़ेगा। सो गाइज यही एम है हम लोगों का, ठीक है, हम लोग आपको तभी ऑर्गेनल्स पढ़ा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। ओके गाइज, सो अब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट सेल को लेकर, ठीक है। हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक काम होगा हर एक फंक्शन में प्लांट की, हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है गाइस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी पे ही मेरा मेन फोकस रहेगा, कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको ये समझा सकूं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ताकि आप हर प्रोसेस को परफेक्टली समझ पाए और फिर उस प्रोसेस के अनुसार एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लाइक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और जय हिंद जय भारत, थैंक यू गाइस।